हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आप देख रहे हैं राहुल फिटनेस ऑफिशियल। और अभी आपको जैसे कि पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो फैट लॉस के ऊपर है। फैट लॉस की सीरीज चल रही है हमारी, दो ट्रेनिंग में आपको करवा चुका हूँ बैक और चेस्ट की। आज हम बात करने जा रहे हैं बाइसेप्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कटिंग पीरियड में जब हम होते हैं लीनिंग मोड में, उस टाइम पे हाई रेपिटेशन वर्क करना हमारे को जरूरी है। और कोशिश करो कि आइसोलेशन एक्सरसाइज को ज्यादा करो, हाई रेपिटेशन 12, 14, 16 जो भी है। और उसके बाद आपको कार्डियो करना है, कार्डियो बाद अपना एक सिंगल बॉडी पार्ट करने के बाद कार्डियो, कार्डियो के बाद आप ऐसे साइड कुछ भी कर सकते हैं या आप क्रॉसफिट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ रही और ज्यादा से ज्यादा हमारी कैलोरीज बर्न हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी बाइसेप्स। बाइसेप्स करेंगे हम पीक के लिए करना है। आप लीनिंग में होते हो तो पीक के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होती है कंपाउंड मूवमेंट को छोड़कर, आइसोलेशन एक्सरसाइज ज्यादा। तो हम सबसे पहले ट्रेनिंग अपनी करेंगे वो करेंगे क्लोज ग्रिप बेंच, जो पूरे आपके आर्म्स के ऊपर हेड डालती है, फेलियर तक लगानी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली हमारी जो एक्सरसाइज है वो है क्लोज ग्रिप बारबेल कर्ल। कोशिश करना आप हाथ को आगे की तरफ रख के, और ये पीक के लिए। मैं आपको 5-6 रैप करके बता रहा हूँ आपको, कम से कम हाई रेपिटेशन वर्क करना है, ठीक है ना, मसल जब तक आपकी फेल नहीं हो जाए। और अगर आपको हैवी लगाना था तो हैवी भी ले सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। अब सेकंड हम करेंगे अपनी कंसंट्रेशन कर्ल, सारी पीक के लिए बता रहा हूँ। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी कंसंट्रेशन कर्ल। अपने वेट अपने हिसाब से वेट सेट कर लेना, लॉक करना है पूरा स्लो नीचे। अगर नहीं लगे तो थोड़ा सा ये हाथ को सपोर्ट भी ले सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब हम करेंगे अपनी तीसरी एक्सरसाइज प्रीचेयर। थर्ड एक्सरसाइज हमारी है प्रीचेयर कर्ल, रेपिटेशन हाई रेपिटेशन 12। बस मैं तो आपको 5-6 रैप करके दिखा रहा हूँ। आपको कोशिश करना है कि हाई रेपिटेशन करने की 10, 12, 16, बाकी कोई पार्टनर अपना खड़ा कर लेना जो आपको 4-5 रैप एक्स्ट्रा लगवा सके, जिससे आपकी मसल जल्दी फेल होगी और उतनी अच्छी रिकवरी होगी। और मसल अगर फेल ही नहीं होगी, आपकी टिश्यू आपके ब्रेक नहीं होंगे, तो बाइसेप बड़े कहाँ से होगा। तो अब हम करेंगे अपनी चौथी एक्सरसाइज। हम जब भी बाइसेप फिनिश करते हैं तो हैमर के साथ करते हैं, और बहुत ही अच्छी मेरी बेस्ट एक्सरसाइज है सबके लिए, सारे बॉडी बिल्डर करते हैं अपने बाइसेप्स को ब्रॉड करने के लिए, तो वो जरूर करो। अब चौथी एक्सरसाइज हमारी हैमर कर्ल। आप सिंगल भी कर सकते हो, ऑल्टरनेट या डबल भी, जैसे आपको ठीक लगे। ऊपर लॉक करना, आराम से नीचे निकालना और पूरा हाथ नहीं खोलना। 3 सेट, ठीक। इसके आपको करने हैं 3 से 4 सेट, 12-16 रेपिटेशन। हमारी बाइसेप्स फिनिश हो चुकी है। तो दोस्तों हमारी बाइसेप्स कंप्लीट हो चुकी है, और बाइसेप्स के बाद हमेशा रिस्ट लगाते हैं, क्योंकि आपकी रिस्ट अगर वीक होगी बाइसेप्स की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगेगी। बाइसेप्स बड़ा हो जाएगा, कलाई थोड़ी वीक लगेगी आपको। और अगर आपकी कलाई स्ट्रांग होगी तो आप हैवी से हैवी वेट उठा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशन निकाल पाओगे, और रिस्ट में आपके आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो जरूर रिस्ट करें वर्कआउट बाइसेप्स के बाद, फेलियर तक लगाओ। ये मेरा मशीन है, आप उससे भी कर सकते हो। ऊपर लॉक करना है आपको, कोशिश करो कि 25-30 रैप निकलने। ऊपर लॉक करना है, तो ये हमारी आज की जो बाइसेप्स की वर्कआउट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको कार्डियो करना है, हमने सिंगल बॉडी पार्ट करा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ओवरऑल बॉडी से फैट निकालना है हमारे को। आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी, और उसके बाद आप कार्डियो करेंगे तो सोने भी सुहागा, और भी अच्छी बात है। आपका ग्लाइकोजन जितना जल्दी खाली होगा उतना अच्छा आपके। तो कोशिश करो कि वर्कआउट के बाद अपना कार्डियो करो, चाहे आप फ्लोर कार्डियो करो, फ्लोर ट्रेनिंग करो, या फिर आप क्रॉस ट्रेनर ट्रेडमिल वगैरह कर सकते हो, आप पार्क में भी जा सकते हो, कम से कम 30 मिनट अगर आपको अपना वेट रिड्यूस करना है। तो ये तो था मेरा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और अन्यथा आप बोलोगे ज़्यादा भाषण दे रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को दिखाएं। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है राहुल फिटनेस, आप उसको भी प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।